हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं तोरण का ये डिज़ाइन कैसे बनाना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पे 3 प्ले का पिंक और येलो कलर लिया है और क्रोशे हुक लिया है मैंने 1.75 mm का। आप चाहो तो 4 प्ले का ऊल भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमें ये तोरण पट्टी बना के लेना है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आगे देखते हैं तोरण कैसे बनाना है। तोरण पट्टी के एक साइड में हमें येलो कलर जॉइंट करके लेना है। यहाँ पे हमें 4 चैन बनाने हैं, 1, 2, 3, 4। आगे के गैप में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1, 2, 3। एक चैन, आगे के गैप में 3 डबल क्रोशे, 2, 3। एक चैन 3 डबल क्रोशे का ये डिज़ाइन हमें 7 बार कंप्लीट करना है। ये तीसरी बार, चार, पांच, छः, और 7। ये डिज़ाइन मेरा 7 बार कंप्लीट हो गया है और लास्ट में यहाँ पे 4 चैन बने हैं। अब आगे हमें 17 चैन बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे आगे के गैप में हमें 3 डबल क्रोशे, 1 चैन, आगे के गैप में 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे का ये डिज़ाइन हमें यहाँ पे 5 बार कंप्लीट करना है। अब आगे हमें 17 चैन बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे आगे के गैप में 3 डबल क्रोशे, 1 चैन, 3 डबल क्रोशे, 1 चैन। ये डिज़ाइन हमें 5 बार कंप्लीट करना है। अब आगे हमें 17 चैन लेने हैं। आगे के गैप में 3 डबल क्रोशे का ये डिज़ाइन 5 बार कंप्लीट करना है। Thank you.
इसी तरह से ये डिज़ाइन हमें पूरे तोरण पट्टी पे कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे ये लाइन मैंने कंप्लीट करके लिया है। 17 चेन के यहाँ पे 11 डिज़ाइन बनेंगे और आगे मैंने 3 डबल क्रोशे के 7 डिज़ाइन कंप्लीट करके लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आगे यहाँ पे एक चेन लेना है और यहाँ पे 3 डबल क्रोशे हमारे बचेंगे, उसमें से तीसरे डबल क्रोशे के ऊपर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। अब आगे 3 चेन लेना है, टर्न करना है, यहाँ पे गैप में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1, 2, एक चेन, आगे के गैप में 3 डबल क्रोशे, एक चेन, आगे 3 डबल क्रोशे, इस तरह से यहाँ पे सारे गैप में हमें 3-3 डबल क्रोशे कंप्लीट करके लेने हैं। यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशे के हमारे 7 डिज़ाइन बनेंगे। अब आगे 8 चेन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे जो हमने 17 चेन बनाए हैं उसमें से 9वें चेन के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे 8 चेन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे के 4 डिज़ाइन बनेंगे। 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे। अब आगे 8 चेन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 17 चेन में से 9वें चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे के 4 डिज़ाइन बनेंगे। एक चेन, 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे। इसी तरह से ये लाइन हमें कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे ये लाइन भी मैंने कंप्लीट करके लिया है। यहाँ पे मेरे 3 डबल क्रोशे के 7 डिज़ाइन बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आगे 4 चेन लेना है, टर्न करना है, आगे के गैप में 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे, यहाँ तक हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे ये डिज़ाइन मेरा 6 बार कंप्लीट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे 4 चेन बने हैं। आगे 8 चेन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8। अब ये डिज़ाइन में यहाँ पे हमें 8 नंबर के चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे बीच में जो हमने पहले एक सिंगल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है और आगे के चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे हमारे 3 सिंगल क्रोशे बन गए। आगे 8 चैन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आगे 3 डबल क्रोशे, एक चैन, 3 डबल क्रोशे। ये डिज़ाइन अब हमारा 3 बार कंप्लीट होगा। एक चैन, 3 डबल क्रोशे। आगे 8 चैन, 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1, 2 और 3। आगे 8 चैन लेने हैं, आगे 3-3 डबल क्रोशे का 3 बार डिज़ाइन कंप्लीट होगा। इसी तरह से ये लाइन भी हमें कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे ये लाइन मैंने कंप्लीट करके लिया है। लास्ट में हमारा 1 डबल क्रोशे बनेगा। आगे 3 चैन लेना है, टर्न करना है। यहाँ पे गैप में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1, 2, एक चैन, आगे 3 डबल क्रोशे, एक चैन, 3 डबल क्रोशे। तीन डबल क्रोशे हमें यहाँ तक बनाना है। यहाँ पे हमारे 3-3 के 6 डिज़ाइन बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आगे 8 चैन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो हमने पहले सिंगल क्रोशे बनाया है उसके आगे सिंगल क्रोशे बनाना है। अब यहाँ पे जो 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं उनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और आगे के चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे हमारे 5 सिंगल क्रोशे बनेंगे। अब आगे 8 चैन, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे के 2 डिज़ाइन बनेंगे, 3 डबल क्रोशे, एक चैन, 3 डबल क्रोशे। आगे 8 चैन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ फिर से हमें 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। आगे 8 चैन, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे के 2 डिज़ाइन, 3 डबल क्रोशे, एक चैन, 3 डबल क्रोशे। इसी तरह से ये लाइन भी हमें पूरा कंप्लीट करके देना है।
यहाँ पे ये लाइन भी मैंने कंप्लीट करके लिया है। अब आगे चार चैन लेना है, 1 2 3 4 टर्न करना है। आगे के गैप में 3 डबल क्रोशे, 1 चैन, 3 डबल क्रोशे, 1 चैन। ये डिज़ाइन हमें यहाँ तक कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे मेरे 3 डबल क्रोशे के 5 डिज़ाइन बन गए, 1 2 3 4 5। अब आगे 8 चैन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8वें चैन के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे के सारे सिंगल क्रोशे के ऊपर 1 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे आगे के चैन के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे हमारे 7 सिंगल क्रोशे बन गए। आगे 8 चैन लेना है। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशे का 1 ही डिज़ाइन बनेगा, 1 2 3। आगे 8 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे के डिज़ाइन में हमें सेम 7 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे 8 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। ये लाइन में हमें सेम डिज़ाइन कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ये लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मेरे 3 डबल क्रोशे के 5 डिज़ाइन बने हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 डबल क्रोशे बना है। अब हमें यहाँ पे 2 या 3 कलर में ये तोरण बनाना है, तो हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन के बाद यहाँ पे कलर चेंज करना है। मैं सिंगल कलर में बना रही हूँ, इसलिए मैंने कलर चेंज नहीं किया है। अब आगे 3 चैन लेना है, टर्न करना है। यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 1 चैन, 3 डबल क्रोशे, 1 चैन, 3 डबल क्रोशे, 1 चैन, 3 डबल क्रोशे, 1 चैन, 3 डबल क्रोशे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे का डिज़ाइन 5 बार हुआ है, 1 2 3 4 5। अब आगे 8 चैन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे अब 9 सिंगल क्रोशे बनेंगे। यहाँ पे जो सिंगल क्रोशे बनाया है उसके आगे वाले चैन के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आगे हमें 17 चैन बनाने हैं।
एक दो तीन चार, अब यहाँ पे हमें 9 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। आगे 17 चैन, अब यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 9। इसी तरह से ये लाइन हमें कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे ये लाइन मैंने कंप्लीट करके लिया है। लास्ट डिज़ाइन में यहाँ पे 8 चेन लेके आगे का डिज़ाइन कंप्लीट करना है। यहाँ पे 6 लाइन तक हमारे 3-3 डबल क्रोशे के डिज़ाइन कम होते गए थे। अब यहाँ से आगे हमें बढ़ाते जाने हैं और यहाँ पे सिंगल क्रोशे का डिज़ाइन हमें 2-2 कम करते जाने हैं। ये तोरण का आगे का डिज़ाइन मैंने दूसरे पार्ट में बनाया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है।